सर जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कौन पूछा था सर? रमेश? जी सर अब है ना क्लास में? ओके। जी कौन सा दिन का? 12th 20th का बात कर रहे थे ना? जी सर कैसे चेंज हो गए भाई? 20 का था सर 25 ये वाला ठीक जी सर है। ओके। कोई नया चीज नहीं है सर, कोई नया चीज नहीं है, वही है चीज। मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, थोड़ा तो देखने का कोशिश करो। ओके। ये पता ही आपको, जी प्रैक्टिस सर वो दिख जाएगा सर। ये ट्रेंड तो आप ही है, मानते हो क्या? ट्रेंड तो जी आप ही सर कल हायर आई जी हायर आई में था वो अगर सर मुझे जो भी ट्रेंड कंफर्मेशन भी करना है अपसाइड में करना है, बाद में रिकॉग्नाइज जो होना चाहिए वो भी मुझे क्या होना चाहिए अपसाइड अपसाइड में, के लिए होना सर जी क्या इसका इंपॉर्टेंट ट्रेंड? सर जी ऊपर ही खुला सर ओपनिंग सॉन्ग ना, इसको ये रिकॉग्नाइज कर रहा है। ओके। फाइन ओके सर सर, ये रिकॉग्नाइज कर रहा है। सेकंड चीज, अभी ट्रेंड तो आप ही है ना, जी अपसाइड कैसे बनता है सर? अपसाइड कैसे बनता है? मतलब ये जगह जगह पे इसमें सपोर्ट्स होंगे, सही है क्या? जी सर मतलब मैं मार्क किया ये लेवल को, सही है क्या? जी सर जब इसने इसको हिट किया ना सर, इसने हायर आई करना शुरू कर दिया, अभी क्या होना चाहिए? ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, नीचे आ रहा है ना, ये लेवल पे क्या होगा इसको? यू विल हैव अ कंफर्मेशन। ओके। ये लेवल पे समझ रहे ना, ये लेवल पे जी आपको सर भी क्या है, इसने इसको टूटा हैवी वॉल्यूम्स पे, उसके बाद ओके जी इसने ये अपसाइड में आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए। कब? जब भी इसके ऊपर जाता है ना सर, ये लेवल के टूट के जब भी इसके ऊपर जाता है, अगर वो लेवल पे का हायर आई करता है, देखो क्या हुआ, ये जो लो बनाया था ना, इसका वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया क्या? जी सर इसका मतलब है ये लो है, जी सही है क्या? जी सर अभी जो कैंडल ने ब्रेकआउट किया था, ये कैंडल है ना सर, अभी ये क्या करेगा सर, ये क्या करेगा? ये लेवल है ना सर, इसके ऊपर क्लोज करेगा। ये कैंडल है ना, उसके लिए हम जी हायर को ढूंढते हैं, ये कभी भी ये लो को ब्रेक नहीं करेगा। ओके। आप ओके प्रैक्टिस करो, ये समझ में आ जाएगा। जब भी इसको हिट करेगा ना, ये लेवल को ऊपर क्लोज करेगा, जब भी हिट करेगा इंडिया का हाई बनेगा, मतलब नेक्स्ट कैंडल हायर ही बनेगा, हिट करेगा हायर ही बनेगा, इसका मतलब है ये कन्वर्ट हो रहा है। अभी हमने इसके ऊपर नहीं क्लोज किया, ये नीचे गिर गया ना, जी सर ये नीचे गिर के अभी ये लेवल के ऊपर, मेरा जो सपोर्ट है, मतलब जो भी सपोर्ट है उसके ऊपर गया ना सर, जी सर इसका मतलब है अभी भी ट्रेंड अपसाइड में ही है। हाँ, ट्रेंड मुझे कब कंफर्म करना है बताओ सर? जब वो उल्टी होता है ना, सर जब उल्टी दिशा में ट्रेड चल रहा हो हायर रही है, अगर मुझे सेल करना है तब ट्रेंड कंफर्मेशन करना है, हायर रही है रिकॉग्नाइज ट्रेंड नहीं हो रहा, तब मुझे ट्रेंड कंफर्मेशन करना पड़ेगा। सर उस हिसाब से तो मेरा ये जो आईटीसी का आज का ट्रेड था सर तो वो तो ऑलरेडी पहले ही सर ट्रेड कंफर्मेशन कर दिया था सर उसका सारा कुछ आया रही था सर नहीं है ना सर, नहीं तो और बाद में सर तो उसको फिर है ना सर, देखो क्या है इसका ट्रेंड, क्या है, व्हाट इज द ट्रेंड? ये तो हायर आई है, सही है क्या? जी इसका ट्रेंड क्या है इसमें, और इसमें हायर आई भी बन रहा है, तो ट्रेंड तो आप ही है, क्या रिकॉग्नाइज हो रहा जी है? यस, आंसर इज यस, रिकॉग्नाइज हो रहा है, जी सही। जी सर तो इसमें सर मैं ट्रेड कंफर्मेशन होने से पहले तो सर इसमें एंट्री ले सकता हूँ ना सर अगर मुझे लेबल पे एंट्री मिल रही है तो देखो, इसमें दो चीज होता है सर, ये इंपॉर्टेंट कैंडल है ना, जी इसमें लोअर, अभी एक लो बनाया है, अभी इधर किधर भी एक हाई बनाया है, इधर अभी लो बना के हाई बनना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन ये है क्या ट्रेंड कंफर्मेशन? थोड़ा आंसर इज यस, आप इधर से ट्रेड भी कर सकते हो। जी जब ये टूट के ए अंदर घुसा ना सर, जी सर ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट को आप खरीद सकते हो, सपोर्ट के नीचे का स्टॉप लॉस है, ये लेवल है ना, ये कंफर्म हो जाएगा, एक्चुअली लॉजिकली होगा इधर से। ओके।
अभी उसमें और एक चीज है, नेक्स्ट में भी बता दूंगा। क्या है सर, ये आपको पता है ना, ये क्या है, अप ट्रेंड में है, सही है, ट्रेंड इज अपसाइड। जी सर, इसमें आपको एक कैंडल मिलेगा, इंपॉर्टेंट कैंडल कल का, सही है क्या जी बात है। इसमें और एक कैंडल होगा सर, उसको हम बोलते हैं हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल दिन का, समझ रहे हो। ओके जी सर, ये जो हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल होता है ना, वो है। अगर मान लो कोई स्टॉक को नीचे गिरना है, ओके, ये हाईएस्ट ओके सर, वॉल्यूम लो को तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, याद रखना है चीज को। ओके सर जी ट्रेंड अपसाइड है ना, जी सर, इधर की तरफ भी घूम सकता है, अगर इसको गिरना है ये लेवल को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, हाईएस्ट वॉल्यूम को, समझ रहे हो। अभी ये जी ट्रेंड सर, अपसाइड है ना, जी सर, इसमें एक हाईएस्ट वॉल्यूम होगा, कभी कभी हाईएस्ट वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट कैंडल बन जाएगा। अगर गिरना है ना, ये लेवल के नीचे गिरना पड़ेगा इसको, समझ रहे हो। जी सर, ये लेवल ना, अगर मान लो जब तक प्राइस इसके ऊपर रहता है, इसलिए क्लोजिंग प्राइस भी आप यूज कर सकते हो, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस। हाँ, ओके एक्चुअली क्लोज प्राइस को यूज करना है, दीज आर ऑल एंट्री सर, ओके ओके। इधर से भी आप सर, मैं थोड़ा सा सर बस मैं कंफ्यूज हूँ ट्रेंड कंफर्मेशन करने के लिए। एंट्री तो सर मिल जाएगी, एंट्री तो सीख लेंगे सर, अभी रिवीजन कर लेंगे सर तो सीख जाएंगे सर। बस इसमें मुझे इनसाइड ट्रेड में सर ट्रेंड कंफर्मेशन में बड़ी दिक्कत होती है सर। अगर जो स्टॉक रेंज में खुलता है और हाई नहीं टच करता है पहले, और मतलब अगर IMP कैंडल के ऊपर खुल रहा है, हाई नहीं टच कर रहा है, तो क्या उसे ट्रेड करें, कैसे करें, उसका कंफर्मेशन अभी मिल नहीं रहा। तब तक हम होल्ड रखे हैं उसको, तो यही सर समझ में नहीं आ रहा है बस। नहीं है, ये लो है सर, सुनो बाकी सर, जी ये लो है, ओके। अगर मान लो कैंडल ओपन हुआ ए से जा रहा है पहले कैंडल, ओके, हाँ, जी जी ब्रेकआउट बोलते हैं, ओके। क्या जी होगा, ये ट्रेंड कंफर्म होगा अगर नीचे आके कोई लेवल पे ऊपर गया, ब्रेक इनसाइड हो रहा है, ओके, हम इसी का ठीक है इंतजार। सर, ठीक ऐसा नहीं होगा एक्चुअली, क्या होगा, एक रेड कैंडल को बना देगा, ऐसे इसके नीचे जाएगा, इधर से उठा ना, ये सपोर्ट बन जाता है, ये हाई को आप बाद में तोड़ेगा। जी सर, दो तरीके से आप करना चाहते हो, आप ये देखो क्या कल का जो हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल है, क्या उसके नीचे तो नहीं है प्राइस। अभी रिलायंस को ठीक देखो, है अगर सर, मान लो कल एक इंपॉर्टेंट कैंडल होगा ना सर, हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल, क्या जी मैं इसको सेल कर सकता हूँ, आंसर इज वेरी मच यस। कल का जो हाईएस्ट वॉल्यूम है ना, उसके नीचे है, दिस जी सर, जी आर ऑल द कंफर्मेशन दैट यू शुड टेक फ्रॉम द मार्केट, ओके। अभी एक काम करेंगे, कल का जो हाईएस्ट वॉल्यूम है ना सर, ये वाला है, सही है क्या, कल जी का जो हाईएस्ट वॉल्यूम यही है ना। जी सर, अगर मुझे बाई करना है, ये लेवल के ऊपर रहना चाहिए ना प्राइस, अभी तो नीचे आ जी गया है, सर, ये लेवल के नीचे आ गया। इसका इंपॉर्टेंट जी क्या, सर, शायद वही है। जी सर वही है, नहीं वो नहीं है, ये लेवल ना सर, ये वाला, जी, यही वाला, यही वाला, अगर हाइपोथेसिस शॉर्ट है तो कर सकते हो, स्ट्रांग तो खुला है इसने, सही है ना, जी सर, ये भी कर रहा जी है, इसका इंपॉर्टेंट लेवल पे आपको एक्टिवेट रहना है, ट्रेड को एक्टिवेट करना है, सही है। ओके सर, आईटीसी का बात करें, अगर मान लो इसका जो इंपॉर्टेंट कैंडल है ये वाला है, सही है, कल का हाईएस्ट वॉल्यूम है ये वाला है, सही है ना सर। प्राइस जी सर, जब खुला इसके नीचे तो नहीं है क्या, देखो। नीचे ही है सर, नीचे है सर। इसका ट्रेंड क्या है, अपसाइड में है, सही है। जी अगर इसको ऊपर जाना है तो पहले इसको ट्रेंड कंफर्मेशन करना पड़ेगा ना, सही है क्या सर, जी सर, ये आपको दिख जी रहा है, सर, जी सर, शायद ये इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, ये लेवल के नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, हिट करते ही फटाक से वो लेवल को भी हिट करके ऊपर जाने लगा, सही है। जी सर, इधर से भी आप ट्रेड ले सकते हो, ये जो सपोर्ट बनाया ना, इधर से आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आपका कन्विक्शन जो ट्रेड होगा, मतलब ट्रेड लगाने के बाद स्टॉप लॉस लगा दिया, आराम से सो गए, ओके, इसको सुख शांति बोलते हैं। ओके तब ओके सारे मेरा अलाइनमेंट में होना चाहिए,
क्या हड़बड़ी है दुनिया में, बताओ मुझे। सर कोई वो नहीं है सर, बट बहुत दिन से सर ये क्वेश्चन चल रहा था मेरे माइंड में, और आप बोल रहे थे कि ऐसा कोई स्टॉक लेके आओ बताओ, तो फिर मैं बताऊं उसमें। बहुत दिन से सर खोज रहा था, आज खोज के रखा हुआ था कि पूछेंगे हम आपसे इसको। ऑलराइट, आपको पहला ये पहचानना है सर, इसका क्या है, व्हाट इज द ट्रेंड। ओके, ट्रेंड तो अपसाइड में है, जी, प्रीवियस ट्रेंड अपसाइड का, वीकली का भी अगर आप चाहिए तो देख सकते हैं सर, शायद ये पहला दिन है, वीकली में भी वीकली हाई के ऊपर। ये पहला दिन है सर। ओके, ये जी वीकली का पहला दिन है। जी 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 वीकली का पहला दिन है, अगर आप देखो 1, 2, 3, 14, 13, 12, 9, मतलब 1, 2 वीकली के ऊपर था सर वो। फाइव 1, 2, 3, 4, 5, क्या है, एक्स्ट्रा दिन आ गए, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, ये वीकली का हाई है। ओके, वीकली जी का हाई नहीं है क्या सर वो? जी है सर, तो क्या है सर, मतलब इतना टाइम वेस्ट कर दिया आपने। ये वीकली के हाई क्यों, तो ऊपर है ना, जी सर ये सपोर्ट नहीं है क्या? सपोर्ट है सर हाँ, वो। ट्रेंड सर देखिए सपोर्ट नहीं, देखिए सर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल वगैरह तो होता ही है सर, बट मुझे सर जैसे एक तो होता है ट्रेंड रिकॉग्नाइज करना, उससे पता है कि सर रिलेटिव पोजिशनिंग के हिसाब से खुलना चाहिए या तो आईएमपी कैंडल के हिसाब से खुलना चाहिए। ट्रेंड नहीं, कंफर्मेशन के लिए एक चीज इतना पता था कि अगर पिछले दिन का हायर हाई बन जाता है तो ट्रेंड कंफर्मेशन है, या वॉल्यूम के साथ उसका ब्रेकआउट कर देता है तो ट्रेंड कंफर्मेशन है, और तीसरा एक आपने बताया था कि स्विंग हायर हाई बनना सर, सही, ब्रेकआउट में। तो वो ट्रेंड कंफर्मेशन हो जाएगा ब्रेकआउट के लिए। बट जब रेंज में स्टॉक रहता है, रेंज में सेक्टर भी रहेगा, रेंज में निफ्टी भी रहेगा, तो सर कैसे ट्रेंड कंफर्मेशन करते हैं, ये मेरा डाउट था सर, बहुत दिन से डाउट था ये। किधर भी सेलिंग हाँ आएगा सर, अगर आप बाई करना है और सेलिंग के ऊपर निकलेगा, सिंपल है, किधर ठीक है सर, ठीक है भी ठीक है सेलिंग आएगा। ओके, स्ट्रांग तो जी खुला है, सर, ऊपर जाना है। अब ये देखो, किधर भी सेलिंग आता है, किलिंग वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम बढ़ा के नीचे गिरना सर, सही है ना, ये लेवल जी है, सर उसके जी बाद इधर भी है, खैर इसके ऊपर निकल गया ना, जी सर तो ये सपोर्ट एसेस नहीं है सर, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, दिस आर इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम, इंपॉर्टेंट प्राइस जोन है ये, समझ रहे हो, जी सपोर्ट जी रेजिस्टेंस सर नहीं है। हम सपोर्ट इंपॉर्टेंट प्राइस जोन का नामकरण कर दिया हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल के, ये प्राइस जी जोन है, सर ये अगर इसको गिरना है ना, ये इसके नीचे खुल के बता देता हूँ, ठीक है सर, काम खुल रहा है, आपको ये लेवल पे एवेलेट करके इसको ट्रेड लेना है। अगर चाहिए तो ओके सर, निफ्टी का भी ये देखो, नोज दैट जस्ट ओपन 10 1 मिनट। देखो क्या, आपने 3 4 सिनेरियो का भी मुझे बताया, सही है क्या? जी हाँ, ऐसे ही जब आपका प्रैक्टिस में नेक्स्ट 6 मंथ्स में बहुत सारे क्या है, बहुत सारे सिनारियो आपको आ जाएगा सर, उसी को नोट करके जी उसको उसी के ऊपर काम करना है, उसी को बोलते हैं प्रैक्टिस। ओके, ओके सर, 14, 20, 20th, 20th है ना सर, 20th आपको ट्रेड करना था। देखो सर, ये भी वीकली हाई के ऊपर ही है ना, ये वीकली का हाई है ये सर, सर सर निफ्टी एमएनसी भी सर वीकली हाई के ऊपर है, इसका सेक्टर भी वीकली हाई के ऊपर। देखो, ये वीकली हाई के ऊपर ये खुल रहा है, सही है कि सर, जी सर इसने क्या किया, नीचे गिर के ये लेवल के नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद इसके अंदर घुस के ये हायर हाई इधर किया, उसके बाद ये नहीं ऊपर नहीं जा पाया, ये लोअर लो इसने इधर करना शुरू कर दिया ना, जी सर इसे उठेगा ना सर, अभी तक का जो लो है दैट इज स्टॉप लॉस, ये इधर से ऊपर होना चाहिए, तब तक तो आपका नेस्ले इंडिया आपका जो भी है स्टॉक इधर आया होगा, शायद इसका जी सर सेक्टर भी इसका ऐसे ही बिहेव किया होगा। ओके, ये थोड़ा याद रखना है जी सर, सर ये स्ट्रांग खुला है ना, दिस शुड बिकम, जी देखो सर जी ये टूटा है, पता नहीं वॉल्यूम क्या है बोल के, ये क्या इसका व्हाट इज द हाई सर, एक बार इसको बता देता हूँ मैं, इसका 68.65, सही है 68.65, ये क्लोजिंग ऊपर दिया है, थोड़ा ऊपर जी दो, सर अभी क्या है, इसका फॉर्मेशन हायर हाई होना चाहिए, समझ ओके okay. रहे हो, इसका फॉर्मेशन हायर हाई होना चाहिए, देखो हायर हाई तो ये कैंडल में आ गया, सही है क्या जी सर अभी? ओके फाइन, इसका मतलब है ये सपोर्ट है,
अभी क्या है, मुझे इंतजार कर रहा है तो ये लेवल पे एक क्या कर रहा है बोल के। फाइन सर, देखो ओके सर, ये लेवल को इसने हिट किया, नीचे भी तोड़ दिया, उसके बाद इसने अंदर घुसा। जी सर, ये ना सर, अभी तक का जो लो को टॉपला सर, क्या आप इसको ट्रेड कर सकते हो सर? इसके नीचे तो नहीं आएगा, ये सारे ओके चीजें सर, आपको देख लो। हाँ, यू विल हैव अ जी अंडरस्टैंडिंग। सर, जी सर, जी सर, ओके, ओके सर, क्लियर सर, काम करो सर, जो भी डाउट्स आता है ना मुझे, कभी भी आप जी मुझे सर, कांटेक्ट कर सकते हो। कौन बात कर रहा है? रमेश है ना? आप, यू आर इन द जी सर, ग्रुप? आपने ज्वाइन किया है क्या, मतलब मेंटरशिप ग्रुप को? नहीं सर, करना है सर, ये जैसे ही खत्म हाँ होगा सर तुरंत कर लेंगे सर हाँ ज्वाइन। नो नो, यू हैव अ टाइम, नो प्रॉब्लम, करेगा ना? नेक्स्ट 6 मंथ्स में बहुत सारे चीजें आएगा। ओके, ठीक है सर, एक ट्रेड को और एक ट्रेड से कंपेयर करना है, उसका आंसर को आपको ढूंढना है, ओके सर, जो आपको मिल जाएगा। ओके सर, देखो दो ओके तीन स्टॉक पे प्रॉपर हाइपोथेसिस के साथ बैठना है सर। ओके फाइन जी सर। फाइन फाइन, सर मेरे पास आज केवल दो ही स्टॉक था, एक आईटीसी और एक एचडीएफसी लाइफ सर, इसके अलावा मैं और कोई स्टॉक को देख ही नहीं रहा था। आज की डेट में क्या हो रहा किसमें सर? सर, एचडीएफसी लाइफ और आईटीसी के अलावा, और मैं आज किसी स्टॉक को नहीं देख रहा था कि किसमें क्या हो रहा है, हाँ, उसी को ही देख रहा था कि कहाँ से क्या बन सकता है, क्या नहीं बन रहा है, कैसे क्या हो रहा है उसमें, वो सारी चीजें सर उसमें ही वॉच कर रहा है सब बैठ के। मैं आपसे ये पूछता हूँ सर, क्या है, कोई एक सेक्टर को पकड़ो सर, उसके ऊपर काम करो फॉर 1 वीक। ओके सर, जी सर, तब क्या होता है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाता है। ओके सर, ओके, फाइन सर, हाँ, सो वी विल मीट डे आफ्टर टुमारो सर, स्विंग ट्रेडिंग शुरू कर देंगे। ओके, स्विंग ओके ट्रेडिंग सर, शुरू हम कर देते हैं। हाँ, ऑलराइट, गुड ओके सर, नाइट, गुड नाइट ओके सर, सर। प्लीज मेंटेन गुड योर, नाइट सर, जो ट्रेड किया है वो जनरल कर दो सर, हर एक दिन का मुझे सेंड कर दो ग्रुप में। ओके सर वन मोर क्वेश्चन सर, हाउ टू पिक मोमेंट ऑन स्टॉक सर, लाइक टुडे क्वाटक बैंक, श्रीराम फाइनेंस, दीज आर वन वन साइडेड मूव्स सर, एक्सेप्ट ऑल अदर स्टॉक्स आर इन रेंज बाउंड, नो स्ट्रैटेजी, हाउ टू डू पिक। सेम थिंग, चेक द फंडामेंटल्स क्या हुआ है बोल के। मैं भी श्रीराम सीमेंट को देख रहा था क्या हुआ है, 1 मिनट, 20 मिनट। आई एम नॉट आस्किंग फॉर स्ट्रैटेजी, हाउ टू पिक दैट मोमेंट ऑन स्टॉक्स। द लेवल्स ओनली सर, देयर इज नथिंग एल्स। हाँ, इन आर स्टॉक्स आर लेवल्स इज देयर ना सर, बट दीज टू स्टॉक्स, कोटक बैंक एंड श्रीराम फाइनेंस, हैज मोर मोमेंटम टुडे कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। एक इंपॉर्टेंट कैंडल है ना सर, यस सर, वही जो लास्ट लॉन्ग सर, ऊपर सपोर्ट, यस गया सर, था ना, लास्ट कैंडल क्लोज किया था, ये कैंडल को इसने, और इसको ऊपर जाना ना, ये लेवल को क्रॉक करके ऊपर जाना चाहिए। हाँ, हाई स्ट्रक्चर में शॉर्ट कर सकते हैं ना सर, कौन सा कंफर्म लेना है सर। निफ्टी सेक्टर नॉट मेड ए हायर राइट नाउ, यू कैन यू आर आस्किंग यस सर, द इट इज इन रेंज सर, कैन वी शॉर्ट सर दिस वन। कल का जो इम्पोर्टेंट कैंडल है ना, हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल, नॉट द इम्पोर्टेंट कैंडल, उससे भी नीचे ही है, ये हायर आई कर चुका है, सेक्टर ने हायर आई नहीं किया है। ओके, ठीक यस सर, है, नो, शायद नो। ओके, ठीक
होना चाहिए ना, इट इज इन अप ट्रेंड राइट। सो यस सर। इसका जो इम्पोर्टेंट कैंडल है ये वाला, ये लक्ष्मी जो हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल भी वही है, इसने इसको तोड़ चुका है। यस सर। तो यू कैन ट्रेक अ ट्रेड फ्रॉम हियर, बट हाइपोथेसिस ये रेंज है, ये हाई के ऊपर जा रहा है, वीक वन के हाई के ऊपर एक क्लोजिंग है, निफ्टी का क्लोजिंग वीक के हाई के ऊपर है। वेयर इज द सेक्टर क्लोजिंग सर? वीक के ऊपर नहीं है शायद। दिस इज द वीकली हाई राइट सर? सर नो, यस सर। इसके ऊपर है तो प्राइस इसके ऊपर है, नो सर। ये वीकली का हाई है, प्राइस इसके ऊपर है। ओके इट शुड फॉलो, इट कैन नॉट सस्टेन ना। यस सर। यू टेल एसआर फॉर एवरीथिंग, यू नो एवरीथिंग, व्हिच इज अदर स्टॉक पटक यस सर। दिस टू स्टॉक्स हैज मोमेंटम सर, मोर मोमेंटम कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। बैंक। ये लो है, ये हाई वॉलेटाइल और मैन लो लो, ये वॉल्यूम बढ़ा दिया था, हायर ही किया है, क्लोजिंग नहीं किया है। इसका लो है 126, 126.25, हायर आई लो लो, हायर आई हायर आई। Question is that how to pick this one only and ignore all of them. हाँ वॉटर My question is that how to pick Kotak Bank only, ignore other stocks in Nifty Private Bank because this is has the more momentum. ए, व्हाट इज योर हाइपोथेसिस? आई डोंट नो सर, व्हाट इज योर हाइपोथेसिस? Sir, higher high sir. This is higher high. High is buy sir, but it is opening below important candle sir. So my question is that this has a more momentum compared to other stocks. How to pick one? This one only. Ignore all other. No, I don't know sir, I don't know that. You are picking the stock, you how you are picking? Okay, sector क्या कर रहा है? निफ्टी इट इज नॉट बुलिश ऑल्सो, इट इज नॉट बेरिश ऑल्सो, ओके इट इज यस गोइंग सर। ऑन। ये इसका रेंज था। हाँ देयर इज अ स्पेस, ऊपर भी यस स्पेस सर। है नीचे भी स्पेस है। कोटक बैंक वेयर वाज इट? दीज लेवल्स राइट, दीज यस सर। लेवल्स यू कैन प्ले इट। कल वॉल्यूम बढ़ाया था क्या इसमें? देखो इंपॉर्टेंट लेवल को हिट करके वॉल्यूम बढ़ाया था, ओके इसको यस सर। क्लोज करना चाहिए था, नहीं तो आज हायर है करके बाहर निकलना चाहिए था। तो दैट इज व्हाई इट फेल। हां देयर इज नो मतलब स्ट्रेटजी, कैन नॉट फाइंड आउट किसमें क्या आ सकता है। इसको ओपनिंग देख के हम कुछ ये कर सकते हैं, क्लोजिंग एंड ओपनिंग को देख के, अगर सेल करना है जो वीक क्लोज हुआ है वो स्टॉक को आप पिक करके इसमें ट्रेड कर सकते हो। ओके सर। सर वन मोर, एचसीएल टेक सर, एचसीएल टेक, एचसीएल टेक्नोलॉजीज। It also fell today. You said the highest volume candle नीचे होना चाहिए, that's why it is 5 minutes sir macro। Now, 5 minutes you don't check, sir. Huh? It is bullish, okay? You cannot show this. Nifty, where is Nifty IT?
ये वीके के अंदर आज आ चुका है, सही है, यस सर। शायद कल ही आ चुका था वीकली अंदर, एक्सेल टेक, एक्सेल टेक डेली फॉर्मेट में ये हायर रही है, ये लो लो इसने किया है, बट देर इज नॉट रन कंफर्मेशन, यू हैव टू बाई दिस स्टॉक फ्रॉम द बॉटम। प्रीवियस हाईएस्ट वैल्यूम के नीचे ट्रेड हो रहा है ना सर, दिस वन मैं यस सर, फर्स्ट 5 मिनट सर, सो सेल कर सकते हैं सर दिस वन। Cannot sell sir, there is no trend confirmation. Okay. ओके सर, ओके सर, थैंक यू। Made a high, no? It made a high, no? If it breaks this low, then it is trend confirmed. I have explained yesterday in buy stock. It is a higher structure. यस Sir, low टूटा है तो cheap हो रहा है. Okay. यस सर, Sir, don't think sir. You work on it. Okay. No, you I by your understanding, I. I'm understanding you're working hard, but don't confuse yourself. Okay, stick to basics. Okay, in यस सर, the beginning, if you don't understand few stocks, no, just ignore it. Okay, ignore in the sense, keep it for observation. यस सर, यस सर, Observe that. Okay, same pattern will repeat. यस सर, Let's see, sir. Don't worry, sir. Things will be fine. You cannot learn everything in 2 months. Okay, it needs time. I believe my words. यस सर, डेफिनेटली सर, हाँ, इफ यू ओवर थिंक देन गिव यू प्रॉब्लम। ओके सर, कल कुछ भी नहीं कर करूंगा सर, तो जाके सो जाऊंगा मैं। हाँ, कुछ भी नहीं करूंगा। टेक केयर सर, यस मिलेंगे। सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, बाय बाय बाय।